हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित झारखंडी और हमारे यूट्यूब चैनल एस के एम ब्लॉग पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को जैसा मालूम है कि मैं अभी फ़िलहाल औरंगाबाद आया हूं और हमराज सर के यहां। सो फिलहाल अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, और जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है बच्चा का। सो ये स्कूल हमराज सर का है और देख सकते हैं हमराज सर अभी। गुड मॉर्निंग दोस्त। सो कुछ बताना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? तो दोस्तों, आज सुमित जी हमारे यहाँ आए हैं, यानी बिहार में औरंगाबाद ज़िले में। और तो सबसे पहले कि आज मेरे स्कूल का ये ब्लॉग बनाने वाले हैं, जो दिखाएंगे सारा चीज़ डिटेल में, और हम भी आपको साथ में दिखाते रहेंगे और हिंट करते रहेंगे। तो चलते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं हमारा सर का स्कूल कैसा है और बच्चे यहाँ किस तरह का है, सबको आपको डिटेल में मिलेगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो सर हमारे यहाँ गए थे झारखंड में ज्योति श्री डांस सनातन मनोदय से मिलने के लिए, वो सर का इतना बड़ा एक स्कूल है, मुझे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं सर का स्कूल दिखा रहा हूँ, किस तरह का बच्चा का ये स्कूल है और किस तरह यहाँ पढ़ाई होता है, सभी से मिलवाने वाला ब्लॉग, बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहे हमारे साथ। तो चलते हैं स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं स्कूल का कुछ सीन है, कितना अच्छा कलर किया हुआ है। माई प्ले स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये गेट है और सामने से चलिए सर दिखा रहे हैं किस तरह का स्कूल है इनका। फिर जाएगा ये देखिए। सबसे पहले अगर आप आते हैं तो वेलकम किया जाएगा, जैसे ही एंट्री कीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू माय प्लैनेट प्ले स्कूल। अच्छा, साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राइंग किया हुआ है, स्केच किया हुआ है आप पेंटिंग के द्वारा, आप ये देख सकते हैं चारों तरफ। ये देख लीजिए, ये फी काउंटर है, यानी कोई भी बच्चे का अगर आप फीस जमा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस पैसा जो है यानी जमा कर सकते हैं। है क्या है, बच्चों लोग को कि किस तरह से हाथ को वॉश कर सकते हैं, साफ क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नल जो है वो लगा हुआ है टैप। और उसके बाद ये बाहर का गेट है, यानी ये मेन मार्केट से लोग आते हैं। और उसके बाद और ये भी जाने का, अंदर जाने का ये रास्ता है, जिसमें ये गेट नंबर टू दिया हुआ है और ये गेट नंबर थ्री है और गेट नंबर आगे वन, मतलब तीन गेट स्कूल का। तो चलते हैं फ्रेंड्स। कि जो पेरेंट्स जो लोग हैं यहाँ पर आके बैठते हैं, वेट करते हैं। और ये देखिए माँ सरस्वती जी का यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है, पेंटिंग बनाया गया है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा यूनिक जो है ये स्टेज है। अच्छा, यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि मैम है और टीचर है, मैम टीचर मिस होगा सारे लोग इसमें हैं। और एक जो सबसे ऊपर जो देख रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक टीचर एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए उस स्टूडेंट के काफ़ी ऊंचाई तक पढ़ाते हैं, यानी काफ़ी ऊंचाई तक उसको ले जाते हैं। तो यह दिखाया गया है इसमें। और ये मेरा रहा, यहाँ भी देखिए मेरा ऑफिस है। और ये देख लीजिए यहाँ पर अल्फाबेट ए बी सी डी का पूरा दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद बच्चों को पानी पीने के लिए यहाँ आर ओ का सुविधा दिया गया है, ऐसे बच्चे अपने पानी का बोतल ले आते हैं। यहाँ भी मेरा यहाँ नोटिस बनाया जाएगा किसी प्रकार का फेस्टिवल अगर होती है उसके लिए। और ये भी देख लीजिए, ये ऑफिस है मेरा। इसके बाद देखिए कि क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं क्लास टू के स्टूडेंट हैं यहाँ पर। और हमारे स्कूल में एक खासियत है कि हर एक बेंच पर, आप इतने बेंच जो देख रहे हैं कि सभी बेंच पर एक ही बच्चे बैठते हैं एक ही बेंच पर। ये कोरोना के चलते नहीं, आने वाला समय में भी यहाँ पर एक ही बच्चे बैठेंगे। अगर ज़्यादा हम करेंगे तो उसको एक बेंच पर दो बच्चे को हम बैठा सकते हैं दोस्तों। और ये बेंच यहाँ पर देखिए टीचर को बैठने के लिए ऐसा टेबल और यहाँ चेयर देख सकते हैं। और हमारा जो है से ग्रीन जो है से बोर्ड है और फैन वगैरह है। और अभी फिर आगे चलकर हम इसमें एसी लगाने वाले हैं। ये मेरा रहा टू क्लास का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा आपको क्लास लगा। अच्छा, सभी बच्चे एक बार हाई करो, तो हाई कर दो सभी। तो ये है टू क्लास का बच्चे लोग, काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं देख सकते हैं। नाम क्या हुआ बाबू का? अच्छा, और एक छोटा सा इधर देखिए, छोटे से बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन से क्लास कर रहे हो अभी? अच्छा,
टू में है ना। चलिए ठीक है, चलो आप लोग पढ़ाई करो। हाँ अच्छा से बच्चा इधर देखिए। चलो अभी आशीष गया था क्लास लेने के लिए, कैसा है बच्चे? बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ पे, और छोटे छोटे बच्चा बच्चे को पढ़ाने का मज़ा ही दूसरा है। प्लस एक चीज़ है कि हम भी टीचर है तो टीचिंग का मज़ा ही कुछ दूसरा, एक मतलब अलग ही मज़ा आता बच्चों के साथ खेलने में, और प्लस उनको कुछ नया सिखाने। सर का जो यहाँ का स्कूल का वातावरण आपको कैसा लगा? एक नंबर बहुत ही अच्छा सर, मतलब सजा के रखे हैं यहाँ पर, डिसिप्लिन भी बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया गया है, और यहाँ पर साफ़ सफाई का भी बहुत उत्तम मतलब प्रबंध किया गया है, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, हवा भी एकदम साफ हवा है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। अच्छा तो इसलिए आप क्लास टू में जा रहे हैं भाई, यही अब क्लास टू में आने के लिए तो इधर जा रहे हैं, बाद में कंटिन्यू करते हैं सर आने के बाद। आप देख सकते हैं जेंट्स टॉयलेट, जो छोटे बच्चे हैं जैसे हम लोग जेंट्स जो होते हैं उनके अनुसार से इसको छोटा बनाया गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उसे देखें, क्योंकि औरंगाबाद जिला में पहला ऐसा स्कूल बनाया गया है माई प्लैनेट प्ले स्कूल का, जो आप देख सकते हैं बहुत सारा सुविधा आपको मिलेगा। पूरा ये ग्राउंड है आप देख सकते हैं, इस तरह से हॉल भी है यहाँ पर, क्लास जो है नर्सरी एलकेजी यूकेजी, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा देखिए वो बाहर निकल रहे हैं, क्या नाम हो आपका? जीतू कुमार। कहाँ जा रहे हो आप? टॉयलेट करने जाइए। ओके बहुत तेज। तो फ्रेंड्स ये रहा प्री नर्सरी का रूम, प्री नर्सरी का रूम देखिए, वाओ। ये देखिए छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए अच्छा, सिर्फ बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए, खेले उनके लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारे यहाँ पर खिलौना भी है, आप दिखा सकते हैं बहुत सारे टॉयज हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स इधर। चलिए तो ये कुछ यहाँ का सीन था, अब आगे चलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स हम लोग नर्सरी, ये दीदी एल के जी है इधर, देखिए बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये नर्सरी के बच्चे, और जो आप देख सकते हैं नर्सरी के बच्चे हैं, आप जो पूछना चाहते हैं उसे पूछिए, नाम होगा जो। चलिए इनसे पूछते हैं, एक सबसे अच्छा क्या नाम है आपका? सूरज। वाह बहुत अच्छा नाम। अरे ये देखिए एक छोटी सी बच्ची, क्या नाम है? अरे नाम है, पढ़ाई कर रही हो? चलो ठीक है ठीक है। आपका क्या नाम है? अच्छा अभी एक बार बाय कर दो, बाय करो सब बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स देखें ये कितना छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना अच्छा स्कूल का जो कि यहाँ का वातावरण है, आप लोग देखें काफ़ी अच्छा कलर वर्क किया हुआ, और इसके ऊपर भी छत है ना। नहीं अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 3 फ्लोर है, मतलब अभी हमने आपको 2 फ्लोर तक ही मतलब 1 फ्लोर ही दिखाया, इसके बाद 1 फ्लोर और है, उसके बाद 1 फ्लोर और है, मतलब बहुत बड़ा फ्लोर है, यानी ब्लॉग अगर बनाइएगा तो कम से कम आधा घंटा का बन जाएगा। और अच्छा से बोलो। चलिए थैंक यू। चलिए 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 जी अपनी क्लास से देखिए आपने उस बच्ची ने किस तरह से इंग्लिश में अपना इंट्रोड्यूस किया, जो हमें देखे गए और क्लास पर वो चले गए क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और बाद में कुछ बताएंगे सर। तो बच्चे लोग को कैसे हम ट्रेन करते हैं मैं आपको थोड़ा समय बता दूँ कि है फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू माय इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आई एम ए बॉय बोला जाता है तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं आई एम ए बॉय। उसके बाद आई लिव इन जो बोला जाता है आई लिव इन ओबरा, ऐसे करते हैं। ओके जो बोलते हैं हम लोग सिंपल सा बोलते हैं ओके, तो ओके नहीं ओके
ओके, तो इस तरह से बच्चों लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी मात्र 10 दिन ही स्कूल का हुआ है और एक साल में यहाँ का बच्चे टोटल इंग्लिश इतने अच्छे बोलेंगे कि आपको लगेगा कि इंग्लैंड का बच्चा बोल रहा है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा ये सुनकर कि आपका इतना अच्छा आपका स्कूल है और यहाँ का बच्चे भी बहुत ही टैलेंटेड। अभी 2-4 बच्चे से मैं मिला, काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं बात किया सभी से, सो सारा चीज़ तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा ब्लॉग, क्योंकि बस ये दिखाना का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि सर का इतना बड़ा स्कूल है और हमारे यहाँ वो जो गए थे काफ़ी अच्छा लगा। और जो जो ये वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए इनका कितना बड़ा स्कूल है औरंगाबाद में, जो कि ऐसा मतलब प्ले स्कूल का नहीं है। नहीं नहीं, औरंगाबाद जिले में पूरे नहीं मिलेगा। और मतलब आप ही का स्कूल है? हाँ, मेरा ही स्कूल। सो ये काफ़ी अच्छी बात है और मुझे यहाँ पर आया सर का एक ब्लॉग शूट करने के लिए स्कूल में मौका मिला तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना। और अगर इस एरिया से औरंगाबाद एरिया बिहार के मतलब आसपास के हैं तो आप लोग आके स्कूल का जो भी अगर गार्जियन देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को तो अपने बच्चों को ये स्कूल में डाल सकते हैं। अच्छा आपको फैसिलिटी दिया जा रहा है, जैसे कि आपको सारा चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और स्कूल के बारे में क्या कहना है आप लोग का सब कमेंट सेक्शन पर हमें बताइएगा। और दोस्तों नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप जल्दी से फटाफट लिख लीजिए 99-73-21-41-02। तो हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय बाय। और ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सारा चीज़, स्कूल का कहाँ क्या है, लोकेशन सारा चीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद है, दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना।